नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर कानपुर देहात से डॉक्टर अर्चना गौर, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आज आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती है जो आज भारत और चीन दोनों देशों के बीच घटित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि इस समय संपूर्ण भारत एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ रहा है और इसी संकट के बीच भारत चीन दोनों देशों के बीच लंबी सीमा रेखा है, लेकिन भारत और चीन का सीमा विवाद आज तक बना हुआ है। भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी में अभी हाल ही में जो घटित हुआ, दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई जिसमें सेना के हमारे एक अधिकारी और जवानों की भी मौत हो गई। सेना के अनुसार दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से सीमा को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों देशों के बीच 1967 के नाथुला युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध अपने निम्नतम स्तर पर हैं। भारतीय सेना और चीनी पीएलए ने हाल के हफ्तों में गलवान घाटी के पहाड़ी क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ सामना किया है, जब भारत की सेना ने द्रुक लद्दाख से अपने उन्नत लैंडिंग ग्राउंड दौलत बेग ओल्डी में चीनी नियंत्रित भूमि के पास के इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की तो चीनी नियंत्रण वाली भूमि के निकट आने का सामना करना पड़ा। भारत पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC में निर्माण को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए चीनी सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों और ट्रकों को तैनात किया और क्षेत्र में एक अवलोकन पोस्ट स्थापित करने के लिए टेंट भी लगाया। यह पहली बार नहीं था कि जब चीनी सेनाओं ने इस तरह से काम किया हो। 3 साल पहले 1967 में चीन ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के नाथुला में भारतीय सैनिकों पर भी हमला किया था, जिसके कारण अंततः 150 से अधिक भारतीयों और 350 चीनी पीएलए सैनिकों के जीवन की पूर्ण लागत पर युद्ध हुआ। इसका फल यह हुआ कि भारत ने चोला के निकट चीनी पीएलए को अपने ही क्षेत्र में धकेल दिया। यहाँ बात करना चाहेंगे 2013 के दशक की, जब दोनों देशों के बीच झड़प हुई और चीनी सैनिकों ने हिमालय के लद्दाख क्षेत्र LAC में सीमा पर गश्त के बाद उस वर्ष अप्रैल में दौलत बेग ओल्डी के पास शिविर लगाया। इस घटना ने भारत को भारतीय सैनिकों के साथ कुछ 100 मीटर की दूरी पर अपना शिविर स्थापित करने के लिए चिन्हित कर दिया। लगभग 3 सप्ताह तक चली वार्ता के बाद 5 मई को हल किया गया और दोनों पक्षों ने अपने सैनिकों को वापस ले लिया। लेकिन फिर पुनः जून 2017 में चीनी ने इस क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन किया, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जो हमेशा एक विस्तारवादी सिद्धांत के आधार पर काम करता है और डोकलाम पठार क्षेत्र में एक सड़क बनाने का काम किया जो चीन, भूटान और भारत का एक त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु है। चूँकि यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हथियार और बुलडोजर ले जाने वाले भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से भिड़ गए। फिर अगस्त 2017 में यह गतिरोध समाप्त हुआ जब दोनों देशों ने क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और चीन ने निर्माण कार्य को रोक दिया। जैसा कि इन सभी पिछली घटनाओं से पता चलता है कि यह चीनी बलों का लक्ष्य वास्तविक नियंत्रण सीमा की अपनी 3488 किलोमीटर लंबी लाइन के साथ भारतीय बलों के साथ विवाद शुरू करना है। लेकिन गलवान घाटी में सबसे हाल में जो घटना घटित हुई वो एक आश्चर्य की बात थी। इस क्षेत्र में सेवा करने वाले कुछ भारतीय सेना के दिग्गजों के अनुसार चीन अपनी ताकत दिखाना चाहता है और सोचता है कि भारत बैक ऑफ होगा, लेकिन न्यू इंडिया